बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की फजीलत। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। मोहतरम नाजिरिन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हर अहम काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। मतालेउल मसर्रत। प्यारे इस्लामी भाइयों, हर नेक और जायज काम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करना चाहिए। अलबत्ता हरामो नाजायज काम से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज हरगिज न पढ़ी जाए, बल्कि फतावा आलमगीरी में है। शराब पीते वक्त, जिना करते वक्त, जुआ खेलते वक्त या चोरी करते वक्त कहना कुफ्र है। फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वजू करो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, इसका असर ये होगा कि जब तक तुम्हारा वजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। तबरानी। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी आदत बना लीजिए, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो ढेरों नेकियां हाथ आएंगी। बख्शिश का परवाना। हजरते अली रदी अल्लाहो ताला अन्हो से रिवायत है, एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को बड़ी उमदगी और खूबी से पढ़ा, उसकी बख्शिश हो गई। कंजुल उम्माल। हजरते अनस रदी अल्लाहो ताला अन्हो से रिवायत है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह जल्लाशानहु की ताजीम के लिए उमदा शक्ल में तहरीर करेगा, अल्लाह जल्लाशानहु उसे बख्श देगा। दुरै मंसूर। बिस्मिल्लाह की बरकत की अजीबो गरीब हिकायत। एक बुजुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल बयान फरमा रहे थे, एक यहूदी लड़की भी उस इज्तिमा में मौजूद थी। फजाइले सुनकर वो बेहद मुतासिर हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। उसी वक्त से उस लड़की की जबान पर बिस्मिल्लाह का विर्द जारी हो गया। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते बिस्मिल्लाह का जिक्र जारी था। इस वजह से लड़की के माँ बाप उससे बहुत नाराज रहने लगे और उसको तरह तरह की तकलीफें देने लगे। नीज इस कोशिश में लग गए कि लड़की पर कोई इल्जाम आयद करके उसको कत्ल करा दें। चुनांचे उस लड़की के बाप ने, जो बादशाह वक्त का वजीर था, एक दिन बादशाह की मोहर की अंगूठी जो उसके पास रहती थी अपनी लड़की के सिपुर्द कर दी। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अंगूठी लेकर जेब में डाल ली। रात को जब वो लड़की सो गई तो उसके बाप ने अंगूठी उसकी जेब से निकालकर दरिया में डाल दी। एक मछली ने वो अंगूठी निगल ली। सुबह को एक माहीगीर ने जाल डाला, इत्तिफाक से वही मछली जाल में फंस गई। शिकारी ने लाकर वजीर साहब के नजर पेश कर दी। वजीर ने मछली लड़की को पकाने के लिए दी। लड़की ने बिस्मिल्लाह कहकर मछली ली और बिस्मिल्लाह कहकर जब उसका पेट चाक किया तो वो अंगूठी मछली के पेट से निकली। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर जेब में डाल ली और मछली पकाकर बाप के आगे रख दी। खाना खाने के बाद जब दरबार का वक्त आया, बाप ने लड़की से अंगूठी तलब की। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी जेब से निकाल कर दे दी। बाप ये वाकिया देखकर हैरान हो गया। इस तरह लड़की के कत्ल का मंसूबा धरे का धरा रह गया और अल्लाह जल्ला शानहु ने बिस्मिल्लाह की बरकत से लड़की को कत्ल से महफूज रखा। लमाने सूफिया। गुनाहगार की बख्शिश हो गई। एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह जल्ला शानहु ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने जवाब में कहा, एक दिन मैं एक मदरसे की तरफ से गुजरा और एक पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसे सुनकर मेरे दिल में अल्लाह जल्ला शानहु के नाम की शीरनी मिठास ने असर किया और उसी वक्त मैंने सुना कि कोई कहने वाला कह रहा है, हम दो चीजों को जमा न करेंगे, एक अल्लाह के नाम की लज्जत और दूसरा मौत की तलखी। फिर मरने के बाद पता चला कि अल्लाह जल्ला शानहु ने मुझे बख्श दिया। अनीसुल बाउजी। रहमते हक बहा नमी जुयद, रहमते हक बहाना मी जुयद, यानी अल्लाह जल्ला शानहु की रहमत बहा यानी कीमत तलब नहीं करती, बल्कि अल्लाह जल्ला शानहु की रहमत तो बहाना तलाश करती है। वालिदैन की अजाबे कब्र से रिहाई।
शरतुल इस्लाम में है कि अगर कहीं जमीन पर कोई ऐसा कागज पड़ा हो जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई हो और कोई शख्स अदब की वजह से उस कागज को उठा ले तो अल्लाह उस शख्स को अपने दोस्तों में दाखिल करेगा और उसके माँ बाप को अजाबे कब्र से नजात देगा और उसको शहीदों के जुमरे में कियामत के दिन उठाएगा। तज़किरतुल वाईजी। प्यारे इस्लामी भाइयों, बदकिस्मती से आजकल उमूमन अखबारात व इश्तहारात वगैरह में बिस्मिल्लाह तहरीर होती है और हमारे भाई सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर बड़ी लापरवाही से इन्हें रद्दी में फरोख्त कर देते हैं। गंदी नालियों तक में इस किस्म के अखबारात नजर आते हैं। काश आयाते मुकद्दसा का अदब हमें नसीब हो जाता। मेरे जिंदा दिल भाइयों, बराए करम अखबारात को चंद सिक्कों की खातिर रद्दी में फरोख्त कर देने के बजाय समुन्दर में ठंडा कर दिया करें। और ऐ मेरे ताजिर भाइयों, आप भी अल्लाह जल्ला शानहु और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत की खातिर अखबारात बतौरे पुड़िया इस्तेमाल करने से गुरेज करते रहें। अल्लाह जल्ला शानहु आपके इस अदब का आपको जरूर सिला अता फरमाएगा। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक पहुंचा दे ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह जल्ला शानहु अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जब जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।